अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ऑन ताशिफा यूट्यूब चैनल। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ वो ये टर्किश एयरलाइन की एक फ़्लाइट परवाज़ लेने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं उसके लिए। और इस वक्त गौथमबर्ग एयरपोर्ट पे हूँ। ये एरिया इन्होंने डेवलप किया ऑलमोस्ट कोई 1-1.5 साल हो गया इसको डेवलप हुए हुए। So what we are waiting for is to go and take a flight and go to Lahore. मैं यहाँ पर बात ये करना चाहता था को basically आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र इसलिए आता है उन मुल्कों में जो कि बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं और छोटे मुल्क हैं जैसे स्वीडन, सफाई का, रिसोर्सेज का, क्योंकि वहाँ पर यही फैसिलिटीज़ जो सी हैं हज़ारों लाखों करोड़ों के हिसाब से लोग वहाँ पर जो से हैं वो यूज़ कर रहे हैं। और उसके मुकाबले में अगर आप इधर देख लें तो ये इतनी बड़ी फैसिलिटी बनी हुई है और यहाँ पर इस वक्त मेरे ख्याल से 2 या 3 फ्लाइट्स हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमें नज़र आता है फॉर द मेंटेनेंस। हमें जब क्वालिटी ऑफ सर्विस और क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड क्वालिटी ऑफ क्या चीज़ों की आप कह लें, आप जगह की कह लें, तो आपको नज़र आती है। ये रायनेयर की फ़्लाइट यहाँ पे खड़ी हुई है। रायनेयर सबसे सस्ती एयरलाइन है, लेकिन इधर यहाँ पर रायनेयर भी जो सा है वो आके टर्मिनल के साथ लग रही है और आप टर्मिनल से उतर के सीधे एयरपोर्ट में जा रहे हैं, यानी कि कोई बस और कोई ट्रांसफ़र वगैरह का सिस्टम नहीं है। वो क्यों? एयरपोर्ट की कैपेसिटी अच्छी है और फ़्लाइट्स जो सी हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है इसके मुकाबले में। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि लाहौर का जैसे हमारा एयरपोर्ट है और इस्लामाबाद का एयरपोर्ट तो मैंने काफ़ी अरसे से नहीं विज़िट किया और कराची का एयरपोर्ट भी नहीं विज़िट किया काफ़ी अरसे से, लेकिन अब आप लाहौर के एयरपोर्ट पे अगर आते हैं तो लाहौर का इतना बड़ा एयरपोर्ट है, लाइक पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है जिधर कितनी फ़्लाइट्स आती हैं डेली, कितनी फ़्लाइट्स जाती हैं। लेकिन जब वहाँ पर आप बाहर निकलते हैं और जहाँ पर आपका बेल्ट पर सामान आता है सिर्फ 2 बेल्ट्स लगी हुई हैं, 2 बेल्ट्स, ये प्लानिंग गलत है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप इस एयरपोर्ट पे भी देख लें तो इनके पास भी एटलीस्ट मेरे ख्याल से 3 बेल्टें लगी हुई हैं नीचे जाके। हालांकि छोटा सा एयरपोर्ट है, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि एक छोटे से एयरपोर्ट के ऊपर भी उन्होंने 3 बेल्टें लगाई हुई हैं। सो द पॉइंट वॉज दैट कि पता नहीं जो लोग प्लान कर रहे थे, जिन्होंने प्लानिंग किया है, जिन्होंने उसको उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर वर्किंग की है, जिन्होंने जो इंजीनियर्स हो जिन्होंने वो उस सारे एयरपोर्ट को जब उसकी फिजिबिलिटी बन रही थी वो क्या सोच रहे थे उस वक्त में कि कैसे हम इस चीज़ को कैटर करेंगे। एनीवेज ये एक छोटा सा मैसेज था कि आप ये चीज़ें, ये डिफरेंसेस इसलिए देखते हैं उन कंट्रीज़ में जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेज कम हैं, और उन कंट्रीज़ में जहाँ पर रिसोर्सेज चले बहुत ज़्यादा नहीं है, इनफ हैं, और उन रिसोर्सेज को यूज़ बड़े तरीके से किया जा रहा है। तो हर चीज़ को काउंट किया गया यहाँ पे, हर चीज़ को पहले से डिसाइड किया गया कि जी हमने क्या क्या मेजर्स लेने हैं और फिर हमने आगे चलना ले यार। अब मैं जा रहा हूँ इस वक्त पाकिस्तान, और पाकिस्तान में इंशाल्लाह 2 हफ्ते रुकूँगा मैं। एक बहुत देरीना बड़ा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के लिए लेके आ रहा हूँ मैं पाकिस्तान में, जिसकी वजह से आप लोग सारे दुआ करें जो मेरा ये चैनल देखते हैं, जो लोग देखेंगे, कि मेरी इंटेंशन ये है कि मैं यहाँ से बैठ के कैसे पाकिस्तान की खिदमत कर सकता हूँ। और मेरे जो बस में चल रहा था, मेरी जो कैपेसिटी में था, उस कैपेसिटी में रहते हुए मैंने एक ये स्टेप लिया है जिसकी वजह से हम पाकिस्तान में अपनी एक स्वीडिश कंपनी है जिसका ब्रांच ऑफिस हमने पाकिस्तान में इस्टेब्लिश किया है, और इंशाल्लाह अब हमारी प्रॉपर हायरिंग शुरू होगी। हमारे पास ऑलरेडी कोई 25-1 लोगों की टीम है और प्रॉपर हायरिंग शुरू होगी, और बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हमारे पास हम कोई 50 लोग हायर करेंगे पाकिस्तान में। और इंडस्ट्री जो सी है वो फार्मा की इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल्स सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर, और इंशाल्लाह उसमें आगे आगे बढ़ाते हुए देख के सस्टेनेबिलिटी के साथ बढ़ाएंगे। वही वाली बात कि एकदम से ऐसा इतना बड़ा स्टेप नहीं लेना जिसको हम फिर बाद में अफोर्ड ना कर पाए, तो उसको हम बढ़ाएंगे। और उसके बाद गोल ये है कि नेक्स्ट
5 years के अंदर तकरीबन हम 300 से 400 लोगों की टीम खड़ी करें पाकिस्तान में, विच मीन्स कि 200-400 जॉब्स क्रिएट होंगी। तो इसलिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इसमें कामयाबी डाले, इसमें बरकत डाले, इस काम के अंदर बड़ी अच्छी नीयत के साथ, बड़ी ही प्योर नीयत और बिल्कुल भी इस जज्बे के साथ कि ऑफ कोर्स बिज़नेस में आप पैसा तो कमाते हैं, लेकिन इस जज्बे के साथ कि पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदा होगा इससे, मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान और ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे सिर्फ इस चीज़ की रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुआ कर दें इसके लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।